तो चलो आज मैं तुसें कन्नै शेयर करनी आं पालक आह्ले एग परांठा, यानी कि अंडे दे आह्ले परांठे पालक पाइयै। ते पालक पाइयै आटा कि'यां गुन्नना ओह्दा वीडियो मैं थल्लै डिस्क्रिप्शन च दित्ते दा, उत्थै लिंक शेयर कीते दा, उत्थूं दिक्खी सकदे ओ। स्वागत है तुसें दा मेरी डोगरी चैनल पर, ते मैं आं ललिता मनास। चलो दिक्खी लैने आं इसी कि'यां बनाना है। सारे कोलों पहले असें आटा गुन्नी लैना, ते आटा जियां मैं तुसेंगी दस्सेआ कि'यां गुन्नना है, तुस ओह् मेरा वीडियो पहला दिखी सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा जिहा दस्सी लैनी आं। तो पालक की भांडे च पाइए थोड़ा पानी पाना, असें उसी ब्लांच नहीं करना, पानी सुट्टना नहीं है, तो ताइए थोड़ा गै पानी पाना। ते थोड़ा पानी पाइए ओह्दे च दो तीन हरिया मर्चा पाइए, अदरक थोड़ा जिहा पाइए, ते 10-15 लसन दियां कलियां पाइए, ते उसी पकाई लैना। ते फिर उसी कर लैना ब्लेंड, हैंड ब्लेंडर कन्नै कर लो जां मिक्सी च कर लो। ते फिर उस पालक दे पेस्ट कन्नै आटा गुन्नना, ते जेल्लै आटा गुन्नना तामी असें एह्दे च तेल पाई लैना थोड़ा जिहा, जां लून मर्च जो भी तुस पाना चाहते हो, लाल मर्चां भी पाई सकते हो पाइए। ते इ'यां आटा गुन्नियै ते धरोने ताईं रखी ओड़ना थोड़े चिर, 10-15 मिंट, ओह्दे बाद च परांठे बनाने। ते परांठे तुस अपनी मर्जी कन्नै बनाई सकते हो, गोल बनाई लो जां चकोर बनाई लो, ट्रैंगल नहीं बनाएओ, ट्रैंगल च की होंदा तिकोने च फिर फोल्ड करने च शेप ठीक नहीं रहिंदी है। ते मैं इत्थे चकोर बना दी आं, ते बिल्कुल जियां आम परांठे बनांदे इ'यां गै बनाना। ते जेल्लै आटा गुन्नना थोड़ा जिहा घ्यो जां तेल उस वेल्लै भी पाई लो, ते शैल खस्ते बनी जंदे ऐ। हुन इ'यां घ्यो लाई लिया, मैं इत्थे चकोर बना दी आं, ते जे तुस गोल बनाओ तो घ्यो घ्यू लाने की जरूरत नहीं है, सीधे भी बनाई सकते हो, पर यह ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं चकोर मिगी, तो मैं चकोर बना दी आं। ते बस जियां आम आटा परांठे अस बनाने इ'यां गै बनाई लैने असें, ये बड़े गै खस्ते बनते हैं। तो बच्चें गी जे अस परांठे देइए तो हेल्दी भी है, बच्चे अंडे भी खुश होइए खाई लैंदे, परांठे भी कन्नै पालक भी खलोई जांदी, पालक थोड़ा बच्चे खंदे खुश होइए नहीं खंदे हैन, तो इस तरह भी खिलाई सकते हो। तो इत्थे मैं बनाई लिया परांठा, तो हुन कर लैने अस तैयार। इत्थे मैं लाल मर्चा, फ्रैश लाल मर्च पाई दी है, तो लब्भा दी इत्थे, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने की जरूरत है, परांठे नॉर्मल जे रखने जियां अस आम परांठे बनाने हैं। तो साढ़ा परांठा बिलियै तैयार है, तो मैं तुसेंगी अंडे दस्सी लैनी हूँ कियां बनाना की पाना। एक अंडे कन्नै लगभग दो परांठे बनी जंदे हैं, इत्थे मैं कट्ठे अंडे तोड़े दे हे, तो थोड़ा जिहा ज़्यादा एक अंडे कोलों। तो बिच असें पाई लैना प्याज, कच्चा गै प्याज कुतरियै पाना बरीक बरीक। इत्थे स्वाद दे हिसाबै कन्नै तुस हरियां मर्चां जो भी, लाल मर्च, लून जो भी पाना चाहो पाई सकदे हो। एह् ध्यान रखना असें आटे च भी लून ते मर्चां पाई दियां, उस हिसाबै कन्नै जिन्ने तुसें दा स्वाद उस हिसाबै कन्नै करी सकदे हो। मैं इत्थे लाल मर्चां पाई, हरियां मर्चां भी पाई लियां बरीक कट्टियै, ते कन्नै पाई लिया लून। असें बाकी मर्चां मसाले सब पाए दे न पहले आटे च भी, आटे च पाना जरूरी है, क्योंकि जे असी बगैर पाए करगे ते ओह फिक्का फिक्का जिहा लगना परांठा। ते इत्थे लाल मर्चां भी थोड़ियां जिहियां मैं पाई लियां। हुण अंडे की असें चंगी तरह फेंटी लैना, जियां आमलेट बनांदे हुए फेंटने आं, ते सारे मसाले जिहड़े चंगी तरह मिक्स होई जान। ते हुण अस परांठा जिहड़ा ओह सेकी लैने आं तवे पर, ते जियां आम परांठे बनांदे बिल्कुल उ'ऐ लेहा गै बनाना। एक पासों थोड़ा जिहा सेकी जा, थोड़ा बड़ा घट्ट नहीं सेकना, ठीक ठाक गै सेकी लैना। जियां मैं सेकिया इ'यै लेहा सेकी लैना, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, ज़्यादा सेके ते की होना फोल्ड जेल्लै करगे तो टुटी जाना। बिच पाई लिया असें थोड़ा जिहा घ्यो, घ्यो पाए दे चंगी तरह अंदरों पकोई जाना, उसी सेक शैल लगी जाना। ते अंडा थोड़ा जिहा ज़्यादा पई गया मेरा, थोड़ा एह्दे कोलों घट्ट पा गया तो ठीक है, क्योंकि मेरा एक अंडे कोलों ज़्यादा हा ज़्यादा लगा दा। ते इ'यां असें दोनों पासों फोल्ड करी ओड़ना इसी, ते हुन दोनों पासों फोल्ड करिए बड़ी धीमी आग पर, गैस जेह्ड़ा बड़ा स्लो रखना है, ज़्यादा रखियो तो अंदर तकर अंडा पकाना पकन नहीं होना। तो चंगी तरह पकोई जा, तो बाहरों भी सुनहरा जहा परांठा होई जा, तो इ'यां बिल्कुल मध्यम आंच पर, घट्ट आग पर, मध्यम भी नहीं बिल्कुल घट अग पर असें इसी सेकना। एक पास थोड़ा जहा ही जा, तो फिर दुए पास करना, तो आस्ता आस्ता इं दबाते भी जाना, दबाते दे दबाए करना अंडा जड़ा अंदरू चंगी तरह पक्की जाना।
इसी असें इ'यां पलटी पलटियै ते फिर सेकी लैना दुए पासै बी, जरूरत होऐ ते घ्यो लाई लो। बिल्कुल सुनहरा होने तकर पकना पक्कन देना। ते जेह्ड़ा साइडें पर अंडा है चाहो ते कन्नै गै रौह्न देओ जां फिर इ'यां बक्खरा भी करी सकते हो। थोड़ा बहुत अंडा निकली जंदा बाहर, ज़्यादा पागे हो तो ज़्यादा निकलू, थोड़ा पागे हो तो घट निकलू। हुन असें दोनों पासों इसी बिल्कुल घट अग्गी पर चंगी तरह सेकन देना, जल्दबाजी नहीं करनी नहीं तो अंदर अंडा कच्चा रही जाना। ते जेड़ा साइडें पर अंडा निकलिया हा वो मैं कड्ढी लिया, क्योंकि अंडा ज़्यादा सेके दे ना इं प्लास्टिक अंगर दा होई जांदा टेस्ट उहदा, तो उसी कड्ढी लिया मैं। तो हुण बिल्कुल इं थोड़ा थोड़ा दबांदे जाना ते इसी पलटदे जाना ते बिल्कुल इ लिया सुनहरी रंग जिला होई जा ते साडा परांठा जेड़ा बनिया तैयार है। ते इसी बिल्कुल जियां स्प्रिंग रोल सर्व करदे है उस चाली सर्व कर लेना। चाहो तो साबता कट्टी सर्व कर लो जां फिर इं कट्टियै तो सर्व कर लो। बच्चे बड़े खुश होइए खाते, बच्चे की बड़े भी खुश होइए खाते, बड़ा गै स्वाद बनता। तो इसी सॉस कन्नै जां अपनी मनपसंद चाह कन्नै जियां भी तुस खाना चाहो खाई सकते हो। जेड़ा अंडा असें साइडें उप्पर कट्टिया हा वह भी इत्थे गै सजाई लैने प्लेटा च। तो साड़ा एग परांठा पालक आला बनिया तैयार है। तुस भी इसी जरूर बनायो तो बच्चें की तो जरूर खिलायो। हेल्दी भी है तो बड़ा गै टेस्टी भी है। जल्दी मिलनी है अगली रेसिपी। अद तक जय देव।